हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन और पनीर का चीला। और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो हम सबसे पहले बेसन को अच्छे से छान लेंगे छलनी से। इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन आप ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आधी छोटी चम्मच हरी मिर्च कटा हुआ डाल देंगे, आप चाहे तो मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। फिर इसमें पनीर डालना है, तो पनीर कितना डालना है, जितना आप 1 कप बेसन लेंगे उतना ही 1 कप पनीर लेना है। दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। और इसे कद्दूकस करके डाल देंगे। फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। तो हाथ से मिक्स करने से अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसका लम्स जो है वो भी नहीं रहेगा। तो हाथ से ज़रूर अच्छे से मिक्स कर लें। और पानी पहले आप थोड़ा थोड़ा डालें, एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बैटर जल्दी पतला नहीं होगा और मीडियम रहेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो बैटर ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो इस टाइप का बैटर तैयार कर लेना है और इसे 10 मिनट छोड़ देना है। तो बेसन को 10 मिनट फूलने ज़रूर छोड़ें, इससे जो है चीला एकदम सॉफ्ट बनती है। तो इसमें डाल देंगे तेल और बैटर को डाल देंगे और इसके बाद हाथ से इसे फैला लेंगे। हाथ से जो है अच्छे से बैटर को फैलाने में सहूलियत होती है। और इसे जो है 2-3 मिनट अच्छे से सिकने देंगे नीचे से। जब नीचे से ये अच्छे से सिक जाएगी तब इसे पलटना है। तो नीचे से सिक चुकी है तो अब इसे हम पलट देंगे। तो पहले आपको तुरंत नहीं पलटना है, धीरे धीरे पहले कलछिन से किनारा को अच्छे से कर लेना है, तब जाके हटाना है। तो ये देखिए नीचे से पूरी सिक चुकी है, अब इसे पलट देंगे। तो 2-3 मिनट के बाद ही पलटे, तुरंत नहीं पलटना है, नहीं तो चीला फट भी सकती है। और अब जो है नीचे का भी जो है वो भी अच्छे से पकने देंगे। और ये देखिए हमारा पनीर और बेसन का चीला बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन होती है। अगर आप बेसन और पनीर एक साथ मिक्स करके बनाएंगे चीला तो ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा देती है। तो एक चीला डेली ज़रूर खाएं, इससे आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। तो शाम के टाइम आप ये स्नैक्स खा सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।